स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में मनाए जा रहे कार्यक्रमों के तहत आज डलहौजी में स्थानीय प्रशासन रमणीय डलहौजी समाज सेवी संस्था के सौजन्य से एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने किया। उनके साथ रमणीय संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्य भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में डलहौजी के विभिन्न स्कूलों से सैकड़ों विद्यार्थी, स्थानीय लोगों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान पूरा नगर देशभक्ति के जज्बे में डूबा नजर आया और भारत माता की जय एवं जय हिंद के नारों से पूरी पर्यटन नगरी गूंज उठी। इस अवसर पर आशा कुमारी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर देश के लिए बलिदान करने वाले शहीदों को नमन किया। गान में रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, जिन्होंने भी हमसे तिरंगे लिए हैं वो तिरंगा वापिस करके जाएं। ये अदब है हमारी, ये शान है हमारी, ये गर्व है हमारा। कोई भी झंडा कहीं गिरा ना होना चाहिए। जो भी जिन्होंने भी हमसे झंडा लिया है, तिरंगा लिया है, वो तिरंगा वापिस करके जाए। और जो स्कूल तिरंगा खुद लेके आए हैं तो उनके इंचार्ज से मेरी रिक्वेस्ट होगी। के लिए अनेकों लोगों ने शहादत दी, जिनमें से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी प्रतिमा के नीचे हम सब बैठे हैं। ये हमारे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। बहुत सारे लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो चाहे शहीद भगत सिंह थे, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अजीत सिंह, उधम सिंह, कितने नाम लेंगे। बहुत सारे लोगों ने जिनके नाम ही नहीं इतिहास में, पन्नों में नहीं आए, बहुत सारे लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में हर धर्म के, हर मजहब के, हर इलाके के, वो चाहे एक इलाका था चाहे दूसरा इलाका था, आज भारत को अपने गर्व से कहने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर भारतीय सुन के उसका सीना जो है चौड़ा हो जाता है। उसमें एक भारत का झंडा है, एक हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, और एक हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। ये हमारे जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए डलहौजी से कुलदीप भारद्वाज की रिपोर्ट।